नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिर हिंदुस्तान की बेटियां कब तक उन पारंपरिक स्रोतों का अनुसरण करती रहेंगी जिसकी कीमत उन्हें अपनी इज्जत को तार तार करवाकर देनी पड़े। आखिर कब तक हिंदुस्तान की बेटियों को एक कोने में दुबक कर अपनी लाज को बचाना पड़ेगा। आखिर कब तक स्कूल में जाने वाली बेटियां कुछ गुंडों की गंदी नजर का शिकार होती रहेंगी। कहाँ है आपका एंटी रोबियो? कहाँ है आपका वीमेन हेल्पलाइन नंबर? योगी महाराज, यूपी में रेप और बढ़ते अपराध के कटघरे में है आपकी सरकार। मैं कुछ आपको ऐसे आंकड़े बताता हूँ जो योगी के शासनकाल में ही घटित हुए हैं। उनका मैं डेट भी बताऊंगा और जहां तक होगा पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। 14 सितंबर 2020, हाथरस की बेटी निर्भया के साथ हुई दरिंदगी। 5 अगस्त 2020, बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई और जब उसने शोर मचाया तो उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव भी गन्ने के खेत में मिला। 16 अगस्त 2020, यूपी के लखीमपुर खीरे में 13 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप। 6 अगस्त 2020, यूपी के हापुड़ में 6 साल की एक और बच्ची उसके घर के सामने से पहले अगवा की गई और उसके बाद उसका रेप किया गया। 5 अगस्त 2020, यानी उसी दिन जब प्रदेश के पश्चिमी इलाके में 8 साल की बच्ची की रेप की कोशिश की गई और जब बच्ची शोर मचाने लगी तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब देश भर का मीडिया अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह की कवरेज में व्यस्त था तो इससे लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर एक माता पिता अपनी 8 साल की लापता बच्ची को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बच्ची की लाश एक खेत में मिली। और ऐसे में आप दावे करते हो कि उत्तर प्रदेश में अपराध 3 वर्षों में न्यूनतम है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर स्थिति में है। अगर प्रदेश की ऐसी स्थिति आपको बेहतर लगती है तो नहीं चाहिए हमें आपकी सहानुभूति, नहीं चाहिए आपकी झूठी तसल्ली। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है वो पिता जिसकी बेटी की इज्जत को गिद्ध नोच ले गए। यह वो बेटी कह रही है जिसे अपनी इज्जत से ज्यादा अपने पिता के प्राण प्यारे हैं। यह वो माँ कह रही है जिसमें अपनी कोख में 9 महीना उस बेटी को पाला है जिसे आज एक वर्तमान सत्ता के गुरूर में डूबे एक पदाधिकारी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। यह अलाउद्दीन खिलजी का देश नहीं है जहां एक बच्चे को उसकी मां के सामने काट दिया जाता है। यह महात्मा गांधी का देश है, यह भगत सिंह का देश है, यह चंद्रशेखर आजाद का देश है। यह देश हर एक उस व्यक्ति का है जो निस्वार्थ होकर देश में रहने वाले हर एक नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। कुछ दिन पूर्व थाना किसरी क्षेत्र की एक गाँव की बेटी को भाजपा के ही एक मंडल मंत्री ने अपनी हवस का शिकार बनाए डाला। यही नहीं, उसे तमंचा दिखाकर धमकाया और कहा कि यदि तुम्हें अपने पिता को कुछ भी बताना हो तो तुम्हें उनके प्राण पखेरू होते हुए देख जाओगे। बेचारी खेलने खाने की उम्र में ही पापा की परी अब सदमे में थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। बस पीड़ा और असहनीय दर्द से ना चाहते हुए भी झेल रही थी क्योंकि उसके पापा के जीवन का सवाल था और कुछ भी पापा से नहीं कह पा रही थी क्योंकि भाजपा नेता ने पापा को मारने की बात जो कही थी। आखिर भाजपा नेता ने गलत ही क्या कहा था? ऐसी वारदातें केवल इसी सरकार में ही संभव है। हालांकि पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाई और आज जिला अस्पताल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न ये नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, प्रश्न ये है कि ये मामले होते ही क्यों हैं? आखिर अपराधियों के जहन में वो खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है जिससे वो इस तरह के अपराधों को करने से पहले 100 बार सोचें कि कानून हमारे साथ क्या कर सकता है, सोचें कि कानून किस तरह से इसकी सजा हमें दे सकता है। लेकिन नहीं, अपराध करना है तो करना है, सरकार जो उनकी है, सत्ता जो उनकी है। आगे हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे
और दिखाएंगे किस तरह थाना किसली क्षेत्र में रहने वाली एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ भाजपा नेता जो कि युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, शायद मंडल अध्यक्ष नहीं है, माफ करना, मंडल मंत्री हैं, और उन्होंने किस तरह से अपनी हवस को बिटाने के लिए एक बच्ची का सहारा लिया और बाद में अपने आप अपने बचाव में जहर का सेवन कर लिया। सेवन करने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। चूंकि पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी तो उसी तलाश को करते करते मुखबिरी उसको मिली और जिला अस्पताल में जाके उसको वहीं पर धर दबोचा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो भाजपा नेता है इसके स्वयं की दो बेटियां हैं और इसकी पत्नी को लगभग 6 माह हो गए ये अपने ससुराल में नहीं आई। आप समझदार हैं, जानते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। आगे सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगा। इसमें क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें 11 साल की बच्ची के साथ बलात्संग की घटना प्रकाश में आई थी और उसके संबंध में वहाँ एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें एक वांछित अभियुक्त था गोविंद चौहान, उसकी पुलिस के द्वारा तलाश भी की जा रही थी। आज अचानक सूचना मिली कि वो जिला अस्पताल मैनपुरी के इमरजेंसी वार्ड में आकर के एडमिट है, भर्ती है। इस पर जाकर के देखा गया तो उसके द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है जिस पर चिकित्सकों के द्वारा उपचार उसका किया जा रहा है। बाद चिकित्सा उपचार जो कि विधिक कार्यवाही है उसको अमल में।